कोलार गोल्ड फील्ड इस देश की सबसे बड़ी सोने की खदान। बैंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित कोलार में ये खदान है। एक वक्त ऐसा था जब इस देश का 95% सोना इसी खदान से निकलता था, लेकिन 28 फरवरी 2001 को यहाँ पर गोल्ड माइनिंग बंद कर दी गई। उसके बाद से आज तक इस शहर में क्या क्या बदला, ये कैसे खंडहर में तब्दील हो गया, क्यों कभी मिनी इंग्लैंड कहलाने वाला ये शहर आज इस हाल में है, ये सब बताने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। वैसे कुछ दिन पहले KGF का नाम चर्चा में आया था एक मूवी की वजह से, लेकिन उस मूवी में जो कहानी दिखाई गई उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। असल हाल क्या है कोलार गोल्ड फील्ड का, बंद करने के बाद यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं आई, वो क्या झेल रहे हैं, असली KGF कैसा दिखता है, ये सारे सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में देने की कोशिश करेंगे। माइनिंग कैसे होती थी ये हम ना देख सकते हैं ना आपको दिखा सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, तो इसकी वजह है माइनिंग का बंद होना। लेकिन माइनिंग बंद होने के 22 साल बाद भी जब आप कोलार आएंगे, KGF आएंगे, कोलार गोल्ड फील्ड आएंगे, तो आपको काले पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ इस बात की गवाही देते दिखेंगे कि यहाँ एक ज़माने में इसे खूब खोदा गया, खूब पहाड़ फोड़े गए और फिर सोना निकाला गया। सोना कोई पाउडर की तरह नहीं मिलता था, गोल्ड ट्रेसेस पहाड़ के कुछ हिस्से में होते थे। और आज 20 साल बाद, 22 साल बाद जब ये फील्ड्स बंद कर दी गई हैं, माइनिंग यहाँ पर बंद हो चुकी है, तब भी ये लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको ये झाड़ियों के नीचे जो गड्ढा नुमा सी जगह दिखाई दे रही है, ये वो जरिया थी जिसके थ्रू लोग अंदर जाते थे और खुदाई करते थे, ब्लास्ट करते थे, सोना निकाल कर लाते थे। अब शाफ्ट तो हट गया, तो ये गड्ढे को कैसे भरा जाए, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके ऊपर कुछ झाड़ी और जंगल है, और झाड़ी जंगल अगर उग जाएं तो इंसान पहचान भी ना पाए कि यहाँ इतना गहरा कोई गड्ढा है या रास्ता है, और ये गिर भी सकते हैं, कितना अनसेफ है उनके लिए। कितना गहरा है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ, पत्थर फेंक कर दिखाती हूँ। आपने पत्थर की आवाज़ सुनी, इसी से ही शायद आप अंदाज़ा लगा पाए हों कि ये कितना गहरा है। लेकिन जो अब्रप्टली इसे अचानक से बंद कर दिया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, ये उसी का नतीजा है कि इतने खंडहर हालत में आज ये जगह ऐसी पड़ी हुई है। आप अगर KGF आएंगे अभी 2023 में भी अगर आप आएंगे, तो आपको जगह जगह दिखेगा हर 20-25 कदम की दूरी पर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे गड्ढे खोदे हुए हैं। तो ये गड्ढे उसी बात का गवाह हैं जो लोग पहले जो कहा करते हैं कि हाथ से ही यहाँ के मिट्टी से खोदकर सोना निकाल लेते थे। मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर जो पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर जिनको हम पहाड़ कहते हैं, वो उसके उसका ये हिस्सा है जहाँ पर सोना है। अब सोने का पूरा ऐसा पहाड़ नहीं होता, ये हिस्सा जो आपको गोल्डन से दिख रहा है ये सोना है और ये पूरा पहाड़ है। तो अब कैसे निकाला जाएगा, इसको निकाले जाने की ट्रिक ये थी कि खुदाई की जाती थी ज़मीन के अंदर। जब आप शुरू के 100 फीट तक खुदाई करेंगे तो पानी निकलता था, पानी को हटाएंगे, फिर और खुदाई करेंगे तब आपको पत्थर मिलते थे, मतलब तब आपको वो पहाड़ियाँ मिलने लगती थी। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, मतलब हर बार श्योर नहीं होता था कि पानी के नीचे पहाड़ मिलेगा, उसमें सोना होगा। खोदते थे, देखते थे, अगर पहाड़ मिला तो मतलब उसमें सोना होगा, नहीं मिला तो उसमें सोना नहीं होगा। आज भी यही हिट एंड ट्रायल मेथड ही अपनाया जाता है। फिर जब पता चले कि हाँ ठीक है, पहाड़ है, उसके अंदर सोना है, तब क्या किया जाता था, तब फिर वहाँ जाते थे मजदूर, जाते थे शाफ्ट के अंदर से, उसमें फिर किया जाता था ब्लास्ट। ब्लास्ट क्यों किया जाता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पत्थर के इस हिस्से में गोल्ड है, बाकी सब पत्थर है। अब तोड़ तो सकते नहीं है कि हाथ से जा के एक एक ऐसे फोड़े, तो वहाँ पर एक्सप्लोजिव भरकर ब्लास्ट किया जाता था। ब्लास्ट करने पर जो आपको मेरे चारों तरफ ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पत्थर निकलते थे बड़े बड़े, खूब कॉन्क्रीट ये वो, और उस एक्सप्लोजिव में बहुत लोगों की जान भी जाती थी। फिर जो सोने वाला हिस्सा है हाथ से छांटा जाता था, जो सोने वाला हिस्सा है, जैसे आप इन सब में देखिए, और मान लीजिए कि ये जो काला वाला हिस्सा है ये सिर्फ ये सोने का हिस्सा है, बाकी ये सब वेस्ट है, और ये जो सारा पड़ा है ये सब वेस्ट है, इतने पार्ट को निकालना है। तो इन पत्थरों को चुनकर अलग रखा जाता था, उनको लिफ्ट के ज़रिए ऊपर भेजकर, फिर उसको आगे जाके मिल्स और फैक्ट्रीज में भेजकर
प्रोसेस किया जाता था, वो पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ खड़े होके इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने का मकसद था कि दूर दूर तक आपको ये दिखाना, इन पत्थरों का, इन मलबों का जो ढेर लगा हुआ है पूरे कोलार गोल्ड फील्ड में, आपको ऐसे पत्थर दिखेंगे, पत्थरों का वेस्ट दिखेगा, क्योंकि जो सोना है वो निकाल लिया गया और जो कूड़ा और पहाड़ है वो इसी तरह छोड़ दिया गया। ये पत्थर के पहाड़ देखकर याद रखना चाहिए कि केजीएफ में काम करने वाले मजदूरों ने 11,000 फीट नीचे जाकर इन्हें निकाला, माने लगभग 3 किलोमीटर नीचे। अब जब 2023 में आप और हम घरों में पानी निकालने के लिए बोरवेल मशीनों से खुदाई करते हैं तो 150 से 200 फीट में पानी निकल आता है, यानी अंदाज़ा लगाइए कि मशीनों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मेहनत का काम यहाँ के मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किया। पत्थर निकालने का ये काम तब भी चल रहा था जब बिजली नहीं थी, मोमबत्ती और लालटेन के सहारे मजदूर जाते थे। 1880 से 1902 तक ऐसा चलता रहा। 1902 में पहली बार बिजली आई, यानी केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर था। और 1880 से शुरू हुई सोने की खुदाई 1902 पहुंचते देश को 95% सोना देने लगी। मतलब पूरे देश में जितना सोना निकलता था उसका 95% हिस्सा सिर्फ कोलार गोल्ड फील्ड से आता था। केजीएफ के कारण ही भारत सोना निर्यात करने का इस दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बना। अब हम आपको वो शाफ्ट दिखाते हैं जिसके जरिए माइनिंग हुआ करती थी। सोने को निकालने के लिए खदान में जिस शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो शाफ्ट मेरे पीछे है। ऐसे 5 या 6 शाफ्ट है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, लेकिन ये वाला जो शाफ्ट है जिसका नाम गिल्बर शाफ्ट है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जो जंग खा चुका है इसीलिए अब नाम पढ़ना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये गिल्बर शाफ्ट सबसे डीपेस्ट शाफ्ट है गोल्ड माइनिंग के लिए पूरी दुनिया में। ये 3.2 किलोमीटर यानी करीब करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा तक नीचे जाता था। इससे ज़्यादा गहरा केवल एक शाफ्ट है जो साउथ अफ्रीका में है, जो डायमंड की माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड माइनिंग के लिए जो सबसे गहरा शाफ्ट इस्तेमाल किया गया इस पूरी दुनिया में या जो बना, वो ये गिल्बर शाफ्ट ही है। बाहर से अगर हम जितनी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं वो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरी तरह जंग खाया हुआ है। 2001 से जब से माइनिंग बंद है तब से इसी तरह खंडहर और खस्ता हाल में पड़ा हुआ है और अब अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर से दिखा नहीं सकते। शाफ्ट से जब वहाँ गहराई तक चले जाया जाता था, वहाँ पर ब्लास्ट करके सोना निकाल लिया जाता था, उसके बाद सोने को प्रोसेस करने के लिए कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती थी, वो जगह कैसी है, वहाँ का हाल क्या है, अगले अंक में हम आपको वही दिखाने के लिए ले चलते हैं। जब माइनिंग में ब्लास्ट करके उन पत्थरों को निकाल लिया जाता था जिनमें सोना मौजूद है, जिनमें सोने के गोल्ड के ट्रेसेस मौजूद हैं, उनको यहाँ लाया जाता था। ये स्टोन मिल है। स्टोन मिल में आकर उन बड़े बड़े पत्थरों को कूटा जाता था, तोड़ा जाता था, ताकि पत्थर अलग हो और उसमें से जो सोना है, जो सोने वाला हिस्सा है, जो गोल्ड के ट्रेसेस हैं, वो अलग हो। बाद में जब टेक्नोलॉजी आई, जब यहाँ पर बिजली आई, तब क्रश हाउस बना। क्रश हाउस में बिजली के ज़रिए उन पत्थर को तोड़ा जाता था, क्योंकि पहले आदमी ही लगते थे, ये ह्यूमन वर्क था, ज़्यादा मेहनत लगती थी, पत्थर तोड़ने में मेहनत लगती थी। तो फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उन पत्थरों को तोड़ने का काम किया गया और इसीलिए क्रश हाउस बनाया गया। क्रश हाउस के बाहर अभी आप देखेंगे कुछ भी अंदर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीन के शेड से पूरी तरह बंद है। बोर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिखेगा कि क्रशर हाउस लिखा हुआ है, रस्टिंग हो गई है, जंग लग चुकी है उस पर, तो ज़्यादा क्लियर अभी इसलिए पढ़ने में नहीं आ रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए फिर क्रशिंग का काम किया जाता था और ऊपर आपको कन्वेयर बेल्ट भी दिखेगा। उस क्रशिंग के बाद उन सारे पत्थरों को कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए सेग्रीगेशन के लिए भेजा जाता था अगले प्लांट में। सेग्रीगेशन माने सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि पत्थर तो ऐसे फाइन पीसेस में, अब आप किसी बड़े पत्थर को तोड़ेंगे तो वो पाउडर, एकदम से पाउडर नहीं, छोटे 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 पीसेस हैं, उसमें सोने के भी पीसेस हैं, पत्थर के भी पीसेस हैं, उसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए अगले प्लांट में भेजा जाता था। उस प्लांट के बाहर से अगर आप देख पाएंगे, अंदर तो क्योंकि बंद है, वहाँ आपको दिखेगा कि बड़े टैंक हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा पानी की सप्लाई के ट्यूब्स हैं, फिर उस पानी के ज़रिए उसको सेपरेट किया जाता था, फिर अगले प्लांट में बिल्कुल फाइन करने के लिए भेजा जाता था, जिसको सीम प्लांट कहते थे। फाइनल प्रोसेस वहाँ पर होता था।
इतना सब देखकर आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि हाँ, माइनिंग आखिर बंद क्यों हुई? इसके पीछे BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और भारत सरकार का तर्क था कि KGF से निकलने वाले गोल्ड की यील्ड कम हो गई थी। पहले एक टन में 47 ग्राम सोना देने वाला KGF 2001 आते आते तक एक टन में केवल 3 ग्राम सोना ही निकाल पा रहा था। इतना कम सोने के लिए इतना महंगा ऑपरेशन चलाना BGML और भारत सरकार को फायदेमंद रास्ता नहीं लगा और इसी कारण बिना किसी प्लानिंग के 28 फरवरी 2001 को KGF में गोल्ड माइनिंग बंद कर दी गई। हम अचानक और बिना किसी प्लानिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 20 साल बाद भी आपको कोलार गोल्ड फील्ड्स में टेलिंग दिखेगी। अब टेलिंग को आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो वेस्ट है जो पत्थर से सोना निकालने के प्रोसेस में कूड़े के रूप में निकलता है और इस प्रोसेस में साइनाइड जैसे हानिकारक तत्व भी इस्तेमाल होते हैं जो आज भी इस टेलिंग में मौजूद हैं, जो यहाँ के पानी को, ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर रहे हैं। हल्की सी हवा चलने पर भी ये धूल के रूप में लोगों तक पहुँचता है और सांस लेने में उन्हें इस वजह से तकलीफ होती है। ये साइनाइड सिलिका, कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट जैसे जो एलिमेंट्स हैं उसको मिलकर बना है। इसका कुछ किया नहीं गया, इस कूड़े के पहाड़ को ऐसा का ऐसे ही छोड़ दिया गया जब माइन बंद हुई। उसके बाद अगर जीत कैमरा पैन करके दिखाएंगे तो मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच 8 इंच होगी और ये जो पहली सीढ़ी जो मैं कहूँ अगर उससे चढ़ी हूँ तो उस वो भी 8-9 फिट की है और ऐसे में बताऊँ तो कम से कम 30-40 सीढ़ियों सा ये और ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये इतना कूड़ा इतने एरिया में ऐसे ही छोड़ दिया गया और आज 20 साल बाद 22 साल बाद जब ये फील्ड्स बंद कर दी गई हैं, माइनिंग यहाँ पर बंद हो चुकी है, तब भी ये लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है। नॉट ओनली द कंपनी हैज क्लोज्ड देयर ऑपरेशन, ऑल अदर वेलफेयर अम्यूनिटीज इंक्लूडिंग स्कूल्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, hospital, everything is closed. And these people even refused for the basic amenities, thus violating the human rights. Imagine these people who worked for this country's economic growth, have contributed several million of gold, have been never considered for even their minimum requirements, basic amenities. Then I am filed a case before the National Human Rights Commission. I am a petitioner. And slowly government has acted upon. What has happened after that? After they don't have employment here, if Bangalore would not have been there, this city would have become a desert. The government during 2001, without ascertaining the rehabilitation future of people, have thrown out nearly 3,500 people to the street. Then the people who sacrificed for the welfare and the economic of the nation, you know what has happened of the social disorders? So many thousands of people have been killed, died of a mining disease called silicosis or pneumoniasis. It is a mining notified disease. Despite so many fight, government has not come forward to do any rehabilitation as on today. Fight is still going on. कोलार गोल्ड फील्ड का जो लिखित इतिहास है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है माइनिंग का, वो तो 120 साल पुराना पुख्ता तौर पर है। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि 1700 में भी जब चोल डायनेस्टी थी, जब चोल साम्राज्य था, उसमें भी जिक्र मिलता है कि कोलार की ज़मीन में सोना है। उस समय भी ये बात होती थी। हुआ यूँ 1804 में कि वॉरेन नाम के एक शख्स, जब टीपू सुल्तान की हत्या हो गई और यह एरिया मैसूर सरकार, जो मैसूर की जो सरकार थी उसके अंडर आ गया, तब वॉरेन के पास कुछ ग्रामीण पहुंचे और वॉरेन के सामने ये दावा किया गया कि यहाँ की मिट्टी में सोना है। वॉरेन ने भी इस बात को माना, उन्होंने रिसर्च की, 4 पन्ने का एक रिसर्च जर्नल छापा। लेकिन इस सोने को निकाला कैसे जाए, मतलब उसकी माइनिंग कैसे की जाए, खदान से कैसे निकाला जाए, इसका तरीका उनको पता नहीं था। उन्होंने कोशिश की, बहुत रिसर्च की, 1860 तक कोई सफलता नहीं मिली। फिर आया साल 1871। बैंगलोर में रहने वाले एक्स ब्रिटिश आर्मी का एक सदस्य जिसका नाम था माइकल लिटजेराल्ड लेविल, उनके हाथ वो रिसर्च पेपर लगा वॉरेन का,
खाली बैठे थे, रिटायर हो गए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बड़ा करूं, क्यों ना मैं माइनिंग करूं। उन्होंने सरकार के आगे अर्जी डाली साल 1873 में कि भाई माइनिंग करने की परमिशन दो। 1875 में जाकर सरकार ने उन्हें परमिशन दे दी कि ठीक है आप माइनिंग कर सकते हैं। अब आइडिया है, स्टार्टअप करना है, पैसा नहीं है, तो उन्होंने फंडिंग का आइडिया निकाला। उन्होंने फंडिंग जुटाई। फंडिंग किससे जुटाई? जॉन टेलर नाम के शख्स से। और 1880 में यहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड में पहली बार माइनिंग शुरू हुई। वैसे जॉन टेलर के साथ चार और लोगों ने केजीएफ में माइनिंग का काम शुरू किया था, यानी कुल 5 लोग। पर सफलता केवल जॉन टेलर की कंपनी को ही मिल पाई, मतलब वो ही इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक चला पाई माइनिंग के काम को। लेकिन पांचों माइनिंग कंपनियों की याद में आज केजीएफ में एक चौराहा है जिसे फाइव लाइट चौराहा कहते हैं। ये उस इतिहास को दर्ज किए हुए है कि यहाँ पर केवल 5 कंपनियाँ ऐसी थी जो सक्सेसफुली माइनिंग की शुरुआत कर पाई थी। पर केजीएफ का सारा इतिहास फाइव लाइट चौराहे की तरह चमकीले तौर पर दर्ज नहीं है। जॉन टेलर, जिनकी कंपनी ने यहाँ से सोना निकालने में सफल रही, जिन्होंने शुरुआत की, उनके घर का हाल आप देखिए। मेरे पीछे जो आपको घर दिख रहा है, ये जॉन टेलर का ही घर है। 1956 में जॉन टेलर भारत से चले गए। वजह थी कि ये जो माइनिंग का पूरा काम था, ये जो मैसूर की सरकार थी उनके अधीन आ गया था। मैसूर की सरकार के पास 1970 तक रहा, उसके बाद केंद्रीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गया। उसके बाद BGML इसको देखता था, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाएगी। BGML का फुल फॉर्म है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो 2001 तक, जब तक ये माइंस बंद नहीं हुई तब तक BGML ने ही माइनिंग का काम यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड्स में किया। घर के अंदर चलें, जो कभी जॉन टेलर का घर हुआ करता था वो अब किस हालत में पड़ा है, अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि एंटर करने से पहले ही आपको दिख जाएगा सब कुछ उजड़ा हुआ है। कई जगह पर बिल्डिंग भी टूटी हुई है, दीवारें ऊपर से गिरी हुई है, जो छप्पर होता है वो गिरा हुआ है। स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा हुआ है, काफ़ी ऊँचा है लेकिन टूट चुका है। डबल स्टोरी ये बिल्डिंग दिख रही है और अब किस हाल में है वो आप देख सकते हैं। And we the people have got electricity, first in India. And we the people got the first rail connectivity, a tram to shift the ores, gold ores, that is one. And you see, we are the first people to get mineral treated water. Okay? These are the, even though if I go, we are the people have got world first or South Asia first multi and super speciality hospital in KGF. That is called the BGML hospital, which is having history. So this history, if you refer Calcutta, Chennai, Bangalore, Mysore, these are the very prominent city, but these cities have got on records prior to KGF got the status as a developed city. Unfortunately, what has happened, everything is a reversible process. We made to become a slum. कोलार गोल्ड फील्ड्स को एक वक्त पर मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। मिनी इंग्लैंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे शहर को सेट किया था। मेरे पीछे आपको BGML हॉस्पिटल दिख रहा होगा, जो 1880 में बना था, ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। और आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखेंगे, ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ स्ट्रक्चर है। 1500 बेड का ये हॉस्पिटल ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और आप अगर कोलार गोल्ड फील्ड्स के जो शहर वाले एरिया है वहाँ घूमेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने पूरे शहर को सेट किया था। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के जो क्वार्टर हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत फैले हुए हैं, बहुत एरिया में हैं। और जब आप वर्कर्स के साइड जाएंगे, लेबर कॉलोनी की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है। लेकिन लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भले घर का साइज छोटा था लेकिन जो सुख सुविधाओं की चीज़ें होती है वो सब थी। जैसे किचन था वहाँ पर वॉशरूम बना हुआ था। और दूसरी वजह इसको मिनी इंग्लैंड कहने की ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बहुत मैनचेस्टर सिटी से मिलता जुलता था। काफ़ी ठंडक थी, बैंगलोर से भी ज़्यादा ठंडा बताया जाता है। कोलार वैसे 100 किलोमीटर दूर ही है बैंगलोर से। तो ये शहर एक टाइम पर जो सोने की तरह चमका करता था, अब वैसी चमक तो नहीं बची लेकिन खूबसूरत अभी भी उतना ही है। आप देखेंगे
पेड़ पौधों को, अगर आप यहाँ आसपास के घरों के स्ट्रक्चर को, तो आपको बड़ा यूनिक नज़र आएगा। हर घर में आपको केले के पेड़ और नारियल के पेड़, आम के पेड़, जैसे गांव के घर नहीं होते हैं, आप साउथ इंडिया के किसी गांव के घर को इमेजिन करें वैसा है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप्ड गांव का घर, कच्चा नहीं पक्का बना हुआ गांव का घर। तो ये वैसी कोई लोकेलिटी है जो कभी ब्रिटिशर्स ने यहाँ को ला रा कर सेट की थी।